गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल झांसी वर्ड लव। और गाइज आज मेरी कबूतरों को सेल वाली वीडियो है और मैं सारे कबूतर अपने सेल करना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। अगर कोई भाई को फ्री चाहिए हो तो फ्री भी ले जाए, और कोई भाई को पैसे में चाहिए तो पैसे ले जाए। आप कबूतर सारे देख लें, सारे ही कबूतर बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। ये देखें, सारे बच्चे हैं, बड़े हैं और कुछ ऊपर बैठे हैं। तो मैं आपको एक एक करके शौक तो नहीं करा सकता, बट लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि मुझे कुछ काम है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको हैंडल करना, इनकी परवाह करना काफ़ी ज़रूरी होता है ना। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को पालते हैं तो एक बच्चे की तरह, एक अपने, मतलब जिस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हैं उसी तरीके से आपको इनका भी ख्याल रखना पड़ता है गाइस। तो बस वही था कि मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है, इसके कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनकी देखभाल करनी पड़ती है। सुबह शाम को उनको देखना ही होता है, आफ्टरनून में भी देखना पड़ जाता है कभी कभी। क्या ना, गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं, पानी ख़त्म हो जाता है या फिर दाने ख़त्म हो जाते हैं। आप ये नहीं देखें, ये दाने देखें कितने सारे दाने डले होते हैं, दाने की कोई कमी नहीं थे। बट लेकिन ये भी एक क्वालिटी वाले दाने खाते हैं, जैसे कि जो वेस्ट वाले होंगे तो ये नहीं खाए उनने, और जिसमें से जो अच्छे अच्छे थे वो खा लिए हैं, बाकी नहीं खाए हैं। तो और सफाई भी ज़रूरी होती है, जैसे कि आप देखें, आप 3-4 दिन में ही इतना गंदा हो जाता है और फिर डेली ही सफाई करना भी इम्पॉसिबल होता है। तो कुछ काम भी रहते हैं अपने, अगर एक इसको सफाई करेंगे तो 1-2 घंटे इसमें ही चले जाते हैं। फिर इनको सुबह शाम खोलना भी ज़रूरी है, सुबह नहीं तो एक टाइम आपको इनको बाहर खोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये है एरिया काफ़ी बड़ा। बट लेकिन क्या होता है कि भाई ऊपर उड़ने में और अंदर रहने में फ़र्क है ना गाइस। तो इनको फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि मैं बांध के रखा हूँ, कोई के भी पर नहीं बंधे, बाकायदा पानी है, खाना है, फिर ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट गाइस उनको बाहर भी जाना होता है, बाहर भी खेलना होता है, बाहर की मिट्टी, बाहर की, मतलब मेरे यहाँ थोड़ा जो आउटसाइड है, मतलब पीछे जो खेत वगैरह है, ये वहाँ पर भी जाके मिट्टी वगैरह खाते रहते हैं। तो इनको ये भी फ्रीडम देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुझे अंदर भी साफ़ करना पड़ता है, बाहर भी साफ़ करना पड़ता है गाइस। तो बस इसलिए मुझे ये कबूतर सेल करना थे। अगर किसी भाई को अच्छे लग रहे हो, आप देख सकते हैं सारे ब्रीडिंग पेयर है मेरे पास, ये सारे सेटअप है इनके साथ, सारे अंदर ब्रीडिंग पेयर है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अंडे बच्चे नहीं दे रहा है, सारे ब्रीडिंग पेयर हैं, सारे अंडे बच्चे दे रहा है। और ये कुछ ऊपर बैठे हैं, यहाँ लाइन से आपको दिख रहे हो, और ये लाइन से दिख रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं और ये किसी बच्चा है, कुछ बच्चे हैं इसमें, मतलब मोस्टली 15 से 20 बच्चे हैं और 10-12 पेयर हैं, इन्हीं के बच्चे हैं सारे, किसी बाहर से कोई भी नहीं लाया है, सब इन्हीं के बच्चे निकले हुए हैं, इन्हीं के अंडे बच्चे हैं। और बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो वो भी अब मतलब अंडे देने वाले हैं। जैसे कि आपको अभी एक दिखा देते हैं, एक फ़ीमेल है अभी जो बड़ी हुई है, ये है, ये देखें, ये फ़ीमेल है, इसने इसी के साथ, ये ऊपर मेल बैठा है, नीचे फीमेल बैठी है, इसी के साथ जोड़ा लगा है, ये भी अब अंडे दे देगी कुछ दिन में। और ये भी 7 कली 8 कली की हुई है, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं इनका जोड़ा अपने आप लगाया, अपने आप जोड़ा लगाया अपने आप ने। तो ये देखें, बच्चे भी हैं, आप खुद देख सकते हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, यहाँ बच्चा बैठा हुआ है और एक बच्चा ऊपर बैठा हुआ है, एक बच्चा है, दो बच्चे यहाँ बैठे हैं, 2 अंडे यहाँ रखे हैं और 2 अंडे इस बॉक्स के अंदर भी रखे हैं। तो फीमेल, इसके अंडे बच्चे, ये भी ब्रीडिंग पेयर है, इसके कम से कम 8 अंडे दे चुकी है ये फीमेल। तो 2 बच्चे इसके सामने रखे हुए हैं, 2 अंडे इसके वहाँ रखे हैं, 2 अंडे बच्चे मर चुके हैं इसके, गर्मी इतनी पड़ रही है तो बच भी नहीं सकते हैं। तो बस यही था वीडियो, आप सारे कबूतर आपके सामने आ गए, अच्छे लग रहे हैं, आप देख लें एक एक करके सारे, जो भी आपको पसंद आ रहे हो गाइस बता दीजिए कमेंट और वो करके कि भाई मुझे कॉन्टेक्ट करें और मैं उनको बात कर लूँगा, व्हाट्सअप पे मैं बात कर लूँगा आपको। कम से कम मेरे पास 32-35 समथिंग अराउंड पिजन्स हैं, मैं काउंट नहीं कर रखा हूँ, मेरे पास 35 से 30 समथिंग कबूतर हैं। अगर आपको जो भी कबूतर अच्छे लग रहे हो बाकायदा आप ले जाएँ और अच्छे से रखें गाइस। ये देखें, ये बैठे हैं, ये देखें, ये इसमें से 3 मेल हैं, ये फीमेल भागी है, अभी ये फीमेल है, एक काली ये वाली फ़ीमेल है गाइस, ये देखें, उसके आगे अभी कंफर्म नहीं है बच्चा, वैसे तो फीमेल ही निकलेगा। और ये दफ मेल है, ये भी मेल है, उसके वो फीमेल है शायद, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल बैठा हुआ है, उसके बगल में भी मेल बैठा हुआ है गाइस। और इसमें ये इसका पता नहीं, छोटा बच्चा है, ये मेल फीमेल जोड़ा है, वो उसका भी नहीं पता है वो क्या है। और बाकी तो ये मेल फीमेल ये बैठे हैं, ये मेल फीमेल ये हो गए, एक ये मेल फीमेल हो गया गाइस, एक ये मेल फीमेल जोड़ा हो गया, एक बच्चा ये भी है, छोटा ही है। तो यही सारे वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मेरे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जैसे लोगों के पास जाए, जिसको भी मेरा सेटअप, जिसको भी मेरा पिजन्स का
कबूतर अच्छा लग रहा है, मतलब कबूतर अच्छा लग रहा है। अगर भाई कोई और भी चीज़ें लेना चाहता है, जैसे कि ये बॉक्स, ये हो गया ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगर जाल भी लेना चाहता है तो बाकायदा आपको जाल भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, बाहर से मैं आपको जाल भी दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा जाल है, ये देखिए आप, ठीक है, काफ़ी बड़ा जाल है। टीन सेट तो नहीं देंगे, बाकी साइड साइड की जालियाँ दे देंगे, ये आप ले जा सकते हैं, उनके जो पिलर्स हैं वो भी ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।